देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर टू। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है कि टू पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड 3 × 10⁻⁸ कूलम नेगेटिव नेचर में आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट या पॉइंट्स आपको क्वेश्चन दिया पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी जीरो। मतलब कि आपके पास दो पॉइंट चार्ज हैं इसका डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनके पास कहाँ कहाँ जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो कहाँ कहाँ जीरो होगी। तो चूंकि ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इनके बीच में भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा। तो हमने माना कि वो पॉइंट कहाँ है वो पॉइंट यहाँ है। ये अगर हम बोलते हैं कि ये पॉइंट इस वाले चार्ज से आर डिस्टेंस पर है तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 16 - r 16 अगर सेंटीमीटर तो हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया है मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको 16 से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है बट अभी हम यहाँ इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल इक्वल टू जीरो क्योंकि हाँ माइनस चार्ज है तो हम बोल सकते हैं दोनों के कारण पोटेंशियल क्या आएगा इक्वल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2 तब जाके वी वैल्यू क्या होगी जीरो। तो 1/4πε0 Q1/r यहाँ से तो 1/4πε0 Q2/0.16 - r 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल तो Q1/r इक्वल टू Q2/0.16 - r। ट्रैक मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए Q1 Q2 की वैल्यू रख दीजिए जब Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे तो 10⁻⁸ से 10⁻⁸ भी कैंसिल तो यहाँ केवल बचेगा 5 और यहाँ बचेगा केवल 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा r = 0.8/8 या r = 0.1 meter या r = 10 centimeter। तो मतलब कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर या यहाँ से 6 सेंटीमीटर तो ये तो आगे हमारे एक पॉइंट जहाँ हमारे पास उसने क्वेश्चन लिखा हो पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं इसको आगे बढ़ाकर एक पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट पर देखते हैं। तो अगर वो पॉइंट यहाँ से यहाँ यहाँ की अगर हम डिस्टेंस बात करें यहाँ से अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस हमने मान के रखी हुई है कि वो पॉइंट है कितना आपका डी डिस्टेंस पर है तो सॉरी ये अपन इसको डी माना इसको अपन यहाँ से माना आर डिस्टेंस पर है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आर प्लस डी। तो फिर भाई 1/4πε0 Q/r + d और 1/4πε0 Q/r अगेन सॉल्व कर दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा ये 5 इक्वल टू ये बचेगा तो r की वैल्यू आएगी आपकी कितनी 0.24। मतलब कि यहाँ से r इक्वल टू 0.24 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.24 प्लस d मतलब 0.24 प्लस 0.16 इज इक्वल टू 0.40 दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर पर v की वैल्यू 0 होगी।